ये ब्यूटी पेजेंट है क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से, जो नॉर्थ ईस्ट की ही सारी फीमेल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है बाय ज्योतिष बेंचमार्क ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। हम लोग कैलकटा बेस्ड कंपनी हैं और ये पहला अपने काइंड का एक ब्यूटी पेजेंट हम लोग नॉर्थ ईस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट कंटेस्टेंट। इसमें और किसी स्टेट से कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ही गर्ल्स के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं। अभी देखिए हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो मोर देन 70 हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं वो लोग ऑनलाइन देंगे, कुछ वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और यहाँ आज जितने मोर देन 40 कंटेस्टेंट यहाँ आके आज ऑडिशन देंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपीज़ रखा गया, विच इज़ वेरी नॉमिनल, क्योंकि कोई भी कंपनी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो मार्केटिंग करेंगे तो कुछ उसके अपने कॉस्ट होते हैं, इसलिए येस 1000 रुपीज़ इज़ द रजिस्ट्रेशन चार्ज। विनर को क्या दिया जाएगा? विनर के लिए देखिए यहाँ पे सैश है, क्राउन है, कैश प्राइज येट नॉट डिसाइडेड, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग उसे डिसाइड कर लेंगे। और उसके बाद हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, मतलब हम लोग उसमें फिल्म मेकिंग, वीडियो मूवीज़ और वो सब करते हैं। जो विनर हमारा यहाँ से जीत के या रनर अप बनेगा उसको उसमें चांस मिलेगा, प्लस वो हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चेहरा एक साल के लिए रहेगा, और वो हमें ग्रूमिंग और बाकी चीज़ों में भी असिस्ट करेगा, उसे फुल पोटेंशियल दिया जाएगा हमारी कंपनी के अंडर में। ये नहीं है कि वो ये पेजेंट जीत लिया और उसके बाद टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ही मैं ये पेजेंट लेके आई हूँ, तो उसे पूरा फुल चांस मिलेगा मॉडलिंग में अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। जी, हमारी तरफ से असम में ये पहली बार, लोकल लेवल पे असम में कई पेजेंट्स होते रहते हैं, मे बी नेशनल लेवल पे भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए नहीं होते, उसमें ऑल ओवर द स्टेट से कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए ही है, इसमें बाहर से कोई कैंडिडेट्स नहीं आएंगे। हाँ, ये जो टैग लाइन है ये क्वींस ऑफ हिल्स इसलिए है क्योंकि इसके बाद अगर हम नॉर्थ में भी जाएंगे, साउथ में भी जाएंगे, तो हम हिली रीजन में ही जाएंगे। लाइक अगर हम नॉर्थ में भी करते हैं तो शिमला वगैरह जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो ऊटी जाएंगे, तो जिसमें हिल्स रहेगा, तो कॉमन फैक्टर है हिल्स, इसीलिए इसका नाम क्वींस ऑफ हिल्स है, जहाँ भी होगा हिल टेरिटरी में ही होगा ये। नमस्कार, मैं नमिता बोरा। एक्चुअली यहाँ अमर एटू ब्रेंच मार्क के एटू ऑर्गेनाइज करिसे क्वीन हिल्स ब्यूटी पेजेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आज इते बहुत धरणर लरा छोली आहिसे मॉडलिंग और कारणे, बिकॉज मॉडलिंग फील्ड खन एतिया एनेका एखन प्लेटफॉर्म एटू एटा प्रेस्टिजियस एंड ग्लैमरस प्रोफेशन, सो तेउलके निजक এইটো প্লেটফৰ্মত প্ৰেজেণ্ট কৰি নিজৰ প্ৰতিভাখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সকলো আগ্ৰহী, আৰু সেইটো কাৰণে আজি এই অডিশ্যনটোতে মোৰ আহি ইমান ভাল লাগিছে যে অডিশ্যনৰ কাৰণে ইমান ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, নাই কমেও ইয়াতে 50ৰ ওপৰত মই দেখা পাইছোঁ। মই হাইলি হেপি যে আমাৰ অসমৰ নিচিনা, গুৱাহাটীৰ নিচিনা এখন চহৰত ইমানখিনি ছোৱালী আজি আগবাঢ়ি আহিছে, এইটো প্ৰফেশ্যনক নিজক যাতে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে, নিজক ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰে, ৰিয়েলি ইটছ এপ্ৰিচিয়েটেড। আৰু মই অৰ্গেনাইজাৰ জ্যোতি মিশ্ৰক মানে থেংকছ দিছোঁ, বিকজ তেওঁ অসমত ইমান ধুনীয়া এটা ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আৰু মই নিজে গ্ৰেটফুল এণ্ড থেংকফুল টু ডেট অৰ্গেনাইজেশ্যন, বিকজ মোক ইয়াতে জুৰি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, আৰু মই অত্যন্ত সুখী আৰু আনন্দিত। থেংক ইউ। হাই, মোৰ নাম অনিৰ্বাণে, মই কলকাতা চেহু ফিলহাল, মই মডেল গ্ৰুমাৰ হওঁ, এণ্ড মেৰা 6 साल के ऊपर एक्सपीरियंस था, एंड ये जो कंपटीशन हो रहा है मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, एंड होपफुली हम एक नया मॉडल ढूंढ पाएंगे इन फ्यूचर के लिए, एंड आई एम विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। देखिए दरअसल इसका अगर आप नाम देखें तो क्वीन ऑफ हिल्स, तो 30 राज्यों के प्रदेश में ये आसाम या गुवाहाटी से बाकी आपके 7 राज्य कवर होते हैं, तो यहाँ चल के आने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आपके त्रिपुरा से, मेघालय से, मणिपुर से, सिक्किम से, नागालैंड से, और विचार ये हुआ कि दरअसल पहले से, कोई आज पहली बार नहीं है, अन्य राज्यों को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्य महिलाओं के की सुरक्षा में या उनको आगे लेके आने में हमेशा आगे रहा है, तो बस उसी में एक चेन कड़ी इस बात की कारण ये कि इस बैनर के तहत जो लोग कल को सेलेक्ट होंगे
फिर हम इसका पीजेंट करेंगे। पीजेंट में जो लोग फाइनल होंगे उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन, बड़ा प्लेटफॉर्म है OTT प्लेटफॉर्म को लेकर, चूँकि इसकी एक सिस्टम कंसर्न है 7 Heaven इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मूवी में और कई स्टेट के फिल्म बंधु में उसका रजिस्ट्रेशन भी है। तो हम लोग उनको यहीं ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, इसमें जो भी कंटेस्टेंट जो विनर होंगे उनको आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा, बड़े ब्रांड के साथ उनके शूट होगा, वो मॉडल में भी जा सकते हैं, वो पिक्चरों में भी जा सकते हैं। तो जस्ट ये एक शुरुआत है और ये हम गुवाहाटी से इसलिए कर रहे हैं कि जब भी किसी को विचार करना होता पूर्वोत्तर राज्यों की तो वो गुवाहाटी से ही करता है। तो बस जहाँ पे महिलाओं को लेकर के संकीर्ण मानसिकता अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ जो पुरुषों में या हमारे आपके बीच में है, वो हमने काम को लेकर के महिलाओं को हमेशा आगे रखा है। तो उसी कड़ी में एक स्टेप हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि लोग बच्चों को या अपनी बेटियों को बहन को घर से बाहर निकलो, उनको थोड़ी आज़ादी दें। 21वीं सदी का वुमेन एम्पावरमेंट का समय है। आप देखिए हिंदुस्तान की भी जितनी भी पॉलिसी है या मौजूदा सरकार है, आपकी जो मौजूदा यहाँ की राज्य सरकार है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हर तरीके से। तो बस उसी बढ़ावे में हम इस जरिए कुछ अगर मदद कर सकते हैं तो वो एक कड़ी है। मेरा देखिए इसके जरिए सिर्फ एक उद्देश्य है कि बराबरी का दर्जा कहते तो हम हैं पर देने में संकोच करते हैं। और इसका उदाहरण क्यों आया कि मैं बेसिकली कई अन्य प्रोग्राम में जूरी पैनल में रहा, जजेज में रहा, तो मैं देखता था कि यहाँ से लोग नहीं, मेरा लगभग 27 साल का मेरा करियर है, 12 चैनलों में नेशनल चैनलों में पैनल पे हूँ और इंडियन फेडरेशन जो विश्व की एक संस्था है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा पेशा है लेकिन चूंकि इस संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरी पत्नी इसको कई सालों से कर रही हैं, तो चूंकि बीइंग वोमेन वो ज़्यादा चीज़ों को बेहतर समझ पाती हैं। जो मेरी बात रहेगी, मैं कहना था कि एक बार मैं गया था उदयपुर के एक प्रोग्राम में, तो एक मतलब यहाँ से 4-5 कंटेस्टेंट जो है अरुणाचल से उदयपुर गई थी, तो आप सोचिए उनके परिवार वालों उनके साथ गए होंगे, उनका आने जाने का खर्चा, तो मुझे ये लगा कि हम क्यों ना उनके पास चलें, इनको भाई कन्विंस फिर रहना सारी चीज़ें होती। तो आने का यहाँ एक ही रीज़न है कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तब आप वहाँ जाइए और हम उस प्लेटफॉर्म को देने की कोशिश करेंगे। ये जो इवेंट है हम लोग का ज्योति बेंचमार्क की तरफ से, मैं ऑफिशियली उनका फोटोग्राफर प्लस मैं मैनेजमेंट भी देखता हूँ, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए एंड बाकी कंटेस्टेंट्स है जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका जो अच्छा लगेगा वो आगे जाएंगे, हम लोग और आगे लेके जाएंगे बस।